ये है रंजू की बेटिया शो का नाम है जो दंगल चैनल पे आने वाला है एंड रश्मि शर्मा जी ने प्रोडक्शन रश्मि शर्मा प्रोडक्शन का है. सो आई एम वर्किंग विथ माई बेस्ट फ्रेंड आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. तो मेरे लिए एक्साइटमेंट ये है कि द रोल इज़ वेरी नाइस, द प्रोडक्शन इज़ ऑलवेज वेरी गुड एंड आई एम वर्किंग विथ माई सहेली अयुब खान आफ्टर वी डिड शो करिश्मा का करिश्मा और 16 साल पहले उसमें हम लोग रोमांटिक लीड थे और उसके बाद अभी हम कर रहे हैं. और मुझे नहीं पता था कि इसमें अयुब है बिकॉज पहले मेरी कास्टिंग हुई, देन आई वाज आस्किंग हु इज़ माई प्लेइंग माई हस्बैंड, और जैसे पता चला अयुब है तो मतलब अब मज़ा आएगा क्योंकि मैं अयुब को बहुत छेड़ती रहती हूँ. अयुब कोरोना के लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ही मेरे मतलब दूर भागता था लोगों से. हाँ गुड बॉय था ऑफकोर्स, बट 9 महीना इससे कभी मुझे पूछा भी नहीं मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ. तो जैसे शट अप, तो हाँ मैंने फेसबुक पे लाइक कर दिया बट दैट इज़ नॉट द डन. एंड देन जब पता चला तो मैंने बोला छोटे ठाकुर अब कहाँ जाओगे. सो माई कैरेक्टर इज़ ललिता एंड शी इज़ वेरी फुल ऑफ लाइफ. शी इज़ मैडली इन लव विथ हर हस्बैंड गुड्डू मिश्रा, दैट्स प्लेड बाय अयुब जी. एंड आई हैव माई मदर, माई मदर इज़ बंगाली. आई गॉट मैरिड टू मिश्रा जी मिश्रा. शी लव्स हर फैमिली वेरी मच एंड शी कैन डू एनी थिंग फॉर हर फैमिली, साम दाम दंड भेद. And of course, very glamorous, very upmarket and very socialite person. जैसे generally husband wife के बीच में होता है ना कि husband हमेशा सड़ा रहता है या बीवी सड़ी रहती है, कोई reason नहीं होता, but it's very natural कि वो लड़ते भी है झगड़ते भी है प्यार मोहब्बत भी करते हैं. So it's very cute story and I really like it. It's a very powerful character that I'm playing, Ranju. एंड इसमें बेसिकली क्या दिखा रहे हैं कि जैसे पुराने टाइम में जो सोच थी लोगों की कि औरतें आगे नहीं बढ़ सकती हैं, जैसे एक लड़की पैदा होती है तो पूरे घर में वो माहौल हो जाता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, लड़का होता तो अच्छा होता. तो वो जो डिपेंडेंसी है ऑन बॉयज़ एंड मेल की, वो ही एक वंश को आगे बढ़ाएंगे एंड वो ही अपने ख़ानदान का नाम ऊंचा करेंगे, तो उस सोच को तोड़ने के लिए हम लोग ये शो लेके आ रहे हैं रंजू की बेटियां, जिसमें रंजू उसके पति उनको छोड़ के जा चुके हैं एंड उसके बाद वो अकेली ऐसे समाज में जिसकी ये सोच है, ऐसे समाज में कैसे स्ट्रगल करके अपनी बेटियों को किस मौकाम तक पहुंचाती है, दैट इज़ द स्टोरी. तो गुड्डू मिश्रा का जो कैरेक्टर है बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म का इंसान है. वो ये सोचता है कि हर चीज़ का एक सल्यूशन है, बस आपको इमोशन को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है, जो प्रैक्टिकल है वही करना है. बहुत आज्ञाकारी लड़का भी है. उसने अपने बाप के कहने पर अपनी पहली बीवी से शादी की, उस शादी को उसने निभाए भी, मगर जैसे उसको लगा कि भैया आगे बढ़ने के लिए लाइफ में कुछ करना पड़ेगा या कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन लेने पड़ेंगे, तो बिना सोचे बिना इमोशन पे ज़्यादा तवज्जो दिए वो आगे बढ़ जाता है. और वो ये समझता है कि जो भी हम करेंगे सब में किसी का बेनिफिट होता है इसमें. तो एक आई वुडन्ट से ही इज़ अ विलेनियस कैरेक्टर, बट ही इज़ अ वेरी ये नहीं मालूम था कि अयुब मेरे हस्बैंड प्ले करेंगे. वो तो मतलब हम लोग जब लुक टेस्ट करते गए 3-4 उसके बाद सडनली एक दिन मैंने उनको देखा, मैं कहा आप क्या कर रहे हो, उन्होंने बोला कि मैं ये कैरेक्टर, मैं कहा वाओ यू आर प्लेइंग दैट कैरेक्टर, सो आई वाज वेरी हैप्पी. देखिए सबसे पहली बात यह है कि मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि दो ऐसे एक्टर्स के साथ में काम कर रहा हूँ जो बहुत ही अपने काम में माहिर हैं और बहुत इनकी अदाकारी के बारे में जितना कहा जाए कम है. एक तो मेरी प्यारी दोस्त दीपशिका हैं और दूसरी मेरी जो अदाकारी जो प्ले कर रही है मेरी वाइफ की, वो है रीना. रीना के साथ मैंने एक शो किया था जिसका नाम था शक्ति, और शक्ति के बाद ये हमारा दूसरा शो है. तो दोनों के साथ बड़ी खुशी की बात यह है कि एक अच्छी ट्यूनिंग है. यही कहना चाहेंगे कि ये मेरा अयुब हम दोनों का पहला शो है दंगल पे, और हम दोनों की जो दोस्ती है जो केमिस्ट्री है वो आपको देखने को मिलेगी पहली बार. तो ज़रूर देखिएगा रंजू की बेटियां ऑन दंगल चैनल एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस. आई एम श्योर आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा.